अच्छी आवाज और तपन सर का क्लास बहुत मुश्किल से ही मिलता है। अभी से अभी देखो आवाज़ आ रही है, मैंने भी ऑडियो टेस्ट नहीं करा था। अच्छी आवाज और तपन सर का आपका माइक ऑन नहीं। कर लिया कर लिया कर लिया। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ मैं हमारे आज के लाइव सेशन के अंदर। वो है इमेज फॉरेंसिक के ऊपर आज बात करने वाले, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कैसे करती है इन्वेस्टिगेट किसी भी एक इमेज को लेके, और किस तरीके से आप खुद भी इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आप किस तरीके से एक इमेज की फॉरेंसिक करें, कैसे उसके एविडेंस को आइडेंटिफाई करें कि ये जो इमेज है कहाँ से क्लिक करी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एविडेंस के अंदर टेम्पर होने का बहुत बड़ा इशू होता है। किस तरीके से क्रिमिनल जो होता है वो कैसे इमेज को एडिट करके कैसे आपके एविडेंस को इनएडमिसिबल शो कर देता है कोर्ट के अंदर, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आज इमेज फॉरेंसिक की क्लास के अंदर, ठीक है, आज इमेज फॉरेंसिक की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले वो सारे एस्पेक्ट्स जो पुलिस डिपार्टमेंट करती है, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करती है, और किस तरीके से इसको बाईपास करा जा सकता है, वो सब चीज़ें बाद में शेयर करने वाला हूँ। सो एज अ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि ये जानना कि भाई इस तरीके से इसको बाईपास करा जा सकता है और आपको कैसे और सिक्योर करना उसको, वो आपका टास्क रहेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तपन सर की क्लास में आ गए तो फटाफट एक बात तपन सर की क्लास में प्रेजेंट सर डाल दीजिए चैट बॉक्स में ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और ये है इमेज फॉरेंसिक क्लास, आज का कंटेंट डेवलप करा है हमारे अक्षय कुमार इंटर्न ने। सो लेट्स सी कि ये ना कैसा कॉन्टेंट है और आपको कितना पसंद आता है। आई होप आपकी नॉलेज जो है इमेज फॉरेंसिक सीरीज से काफ़ी बढ़ेगी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ में काम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चलिए फटाफट एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्रेजेंट सर ताकि अपन जो है चैट बॉक्स में अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें, चैट बॉक्स में भी और लाइव सेशन के अंदर भी। सर मुझे आपसे हैकिंग सीखनी है, अभी कोर्स की फ़ीस बताओ। तो स्नाइपर चैट बॉक्स के अंदर मैंने फॉर्म डाला हुआ है ऑलरेडी, फॉर्म जाके भर दो, डिटेल आपको मिल जाएगी। क्वेश्चंस जो रहेंगे वो मैं लूँगा सेशन के एंड में, आधे घंटे का सेशन रहेगा जिसमें अपन थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं सारे क्वेश्चंस ले लूँगा तो थोड़ा सा आप शांति बनाए रखें और क्वेश्चन के लिया जाएगा, बिना क्वेश्चन ख़त्म करे आपकी क्लास अपनी क्लास एंड नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉरेंसिक होता क्या है भाई? इमेज फॉरेंसिक में देखो दो एस्पेक्ट्स होते हैं अगर अपन बात करें ब्रॉडली तौर पर। एक होता है इमेज के अंदर इमेज क्लियर करना, जिसमें फॉरेंसिक टूल की हेल्प से जो ब्लर इमेजेस होती हैं, जैसे होता है कि सीसीटीवी की फुटेज हो उसको क्लियर करना होता है। एक तरीका क्या होता है कि भाई ये सीसीटीवी फुटेज हो गया, एक तो वो क्लियर करना हो गया। एक भाई आपने कोई इमेज क्लिक करी, लेट सपोज कि मैंने कोई फ़ोन में फ़ोटोज़ थी, उस तक किसी क्राइम सीन की फ़ोटोज़ थी या फिर क्राइम होने से पहले की फ़ोटोज़ थी जो आपने क्लिक करी थी, जो ये डिफाइन कर रहा है कि आप इस लोकेशन में मौजूद थे क्योंकि आपने उस लोकेशन पर अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करी थी। अब चैलेंज क्या होता है कि जब आपको इस इमेजेस को कोर्ट में प्रूव करना होता है कि भाई ये इमेजेस जो हैं इसी फ़ोन से ली गई थी और इस फ़ोन के थ्रू ही ये कैप्चर करा गया था इस डेट टाइम के साथ में। सो बेसिकली हर एक फाइल की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो आप भी जानते हैं, ठीक है। तो जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कैमरा है आपका डिवाइस है स्टोर कर देता है उस इमेज के अंदर, ठीक है ना। तो मेटा डेटा के अंदर जाके, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी डिटेल की इन्फॉर्मेशन होती है, ये सिर्फ ये नहीं होती कि डेट और टाइम कहाँ क्लिक करा गया था, लोकेशन के साथ में लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड रहता है, उसके साथ में आपके बहुत इंटरनल डिटेल्स होती है कि कौन से फ़ोन से करा गया था, इवन मॉडल नंबर तक भी उसके अंदर। अगर मान लो मैंने कोई ओप्पो का कोई स्पेसिफिक मॉडल का मैंने कोई फ़ोन से मैंने क्लिक करा है तो वो भी डिटेल होगी, प्लस मैं फ्रंट कैमरे से करा है कि बैक कैमरे से करा है वो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, उसे पिक्सल के बारे में इन्फॉर्मेशन, उसके IOC के बारे में इन्फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारा डिवाइस उस पर्टिकुलर इमेज में इंसर्ट कर देता है। तो अब कैसे ये इन्फॉर्मेशन को व्यू करनी चाहिए और कैसे ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है वो अपन आगे बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं इमेज फॉरेंसिक होता क्या है। सो बात करें इमेज फॉरेंसिक ऑल्सो नोन एज डिजिटल इमेज फॉरेंसिक, इसे हम क्या बोलते हैं डिजिटल इमेज फॉरेंसिक बोलते हैं, कुछ लोग इसको इमेज फॉरेंसिक बोलते हैं, कुछ लोग इसको इमेज एनालिसिस बोलते हैं, तीनों अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वॉल्व द एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ अ डिजिटल इमेज। तो भाई डिजिटल इमेज की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी एनालिसिस होता है पूरा इमेज का, इट फोकस ऑन द डिटेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ मैनिपुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ें फोकस करता है कि डिटेक्शन की, पहली बात तो इमेज में कोई टेम्पर हुआ नहीं हुआ, चेंजेस हुए नहीं हुए उसको डिटेक्ट करता ही है, और एग्जामिनेशन करता है कि कहाँ पर डिटेक्ट हुए, कहाँ पर चेंजेस हुए, मैनिपुलेशन किधर किधर हुए, ऑल्ट्रेशन या टेम्पर,
दे मे हैव बीन परफॉर्म्ड ऑन एन इमेज। तो भाई किसी जो आपकी इमेज आपको रिसीव हुई है एज एन एविडेंस, तो उसके अंदर कोई आपने टेम्पर करा है नहीं करा है, कोई मॉडिफिकेशन कुछ ऑल्ट्रेशन करा है नहीं करा, कुछ एडिट करा कुछ डिलीट करा, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, इमेज फॉरेंसिक कराते हैं। जो क्लिक जो भी इमेज आपने क्लिक करी है, ज़रूरी नहीं कि वो क्लिक वो इमेज एज इट इज़ आ गई हो, कई बार उसके अंदर कुछ चीज़ें हटा देते हैं, कुछ रिमूव कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चीज़ें कर देते हैं, भाई ये इमेज ली गई थी 2 दिन पहले और दिखा रहा है 4 दिन बाद का, तो वो सब चीज़ें एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग डिजिटल इमेज फॉरेंसिक करवाते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या देखा, एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्स कहाँ से लिया गया था, कौन से फ़ोन से ली गई थी, वो सोर्स का आइडेंटिफिकेशन, प्लस ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इमेज, इमेज में कोई टेम्पर नहीं हुआ। भैया कई बार हो सकता है कि फोटोशॉप के थ्रू कोरल ड्रॉ के थ्रू आपने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हो, इमेज में कुछ एडिट कर दिया हो, ठीक है ना, ग्राफिकली कुछ ऐड कर दिया हो, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बताने के लिए उसकी कि ना इस इमेज की इंटीग्रिटी ब्रेक नहीं हुई है, वो चीज़ बताने के लिए भी हम लोग इमेज फॉरेंसिक करते हैं। इमेज फॉरेंसिक टेक्निक यूटिलाइजेज वेरियस मैथड, अब इसमें बहुत सारे मैथड्स हम लोग यूज़ करते हैं जो सॉफ्टवेयर के बिहाइंड में वर्क करते हैं, मैथड एल्गोरिथम एंड टूल्स टू अनकवर पोटेंशियल मॉडिफिकेशन और मैनिपुलेशन इन डिजिटल इमेज। तो इसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, इवन टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, मैथड्स का यूज़ करते हैं, ताकि अपन ये आइडेंटिफाई कर सके कि आपकी इमेज के अंदर कोई मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन हुआ या नहीं हुआ। दीज टेक्निक्स कैन इन्वॉल्व एनालाइजिंग मेटा डेटा, एग्जामिनिंग इमेज प्रॉपर्टीज एंड आर्टिफैक्ट्स, डिटेक्टिंग इनकंसिस्टेंसी और अनोमलीज एंड कंपेयरिंग वेरियस वर्जन्स एंड कॉपीज ऑफ इमेज। अब देखो यहाँ पे ना, मतलब इसने ना एक लाइन में तो पूरी चीज़ बता दी, पर एक लाइन में भाई पूरा खत्म नहीं हुआ है, एक लाइन में बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स बताई उसने, क्या बताइए टेक्निक, जैसे एनालाइजिंग मेटा डेटा, तो बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनी इमेज, प्रॉपर्टीज़ क्या बताएगी, कब क्लिक करा गया था, किस डेट टाइम पर क्लिक करा गया, कब मॉडिफाई करा गया, कब क्रिएट करा गया, कब अपडेट करा गया, इसके बारे में जानकारी देगा, साइज क्या है इस फाइल का ये भी बताएगा उसके बारे में, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे मान लो कौन से फ़ोन से क्लिक करा गया था, फ्रंट कैमरा था, बैक कैमरा था, लॉन्गिट्यूड क्या था, एल्टीट्यूड क्या था, अगर आपने GPS अलाउ कर रखा है तो लोकेशन भी दिखाएगा ये, ठीक है ना, नहीं कर रखा तो फिर नहीं दिखाएगा वो, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मेटाडेटा में स्टोर करता है। उसके अलावा एग्जामिनिंग इमेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी देखेगा, प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे मेटाडेटा थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी और मेटाडेटा के अंदर काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन होती है, जो ये फ़ोन लेवल की भी इन्फॉर्मेशन होती है, भाई मैंने क्लिक किस टाइम पे करा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेसिक बेसिक चीज़ आपको मिल जाएगी, पर कौन से फ़ोन से करा, कौन से मॉडल से करा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेटाडेटा के अंदर मिलेगी आपको। फिर उसके अलावा अगर किसी तरीके की इमेज में कोई चेंजेस है, भाई ऐसा तो नहीं कि भाई इमेज में अंदर कुछ आपने ऐड कर दिया, कुछ रिमूव कर दिया, तो वो चीज़ आइडेंटिफिकेशन करने का काम भी होगा। इवन हम इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स भी कंपेयर करते हैं, जो हमारे ऑनलाइन इमेज बहुत सारे फॉरेंसिक टूल्स आते हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग जाके चेक करते हैं कि भाई कहीं इसके ना ऑनलाइन जो अपने टूल्स हैं उसके अंदर इसके अलग अलग बिहेवियर तो नहीं, अलग अलग पैटर्न तो नहीं क्रिएट कर रखे इसने, तो उसको हम लोग ग्रेस के लिए इमेजेस में जाके चेंज करते हैं। तो बहुत सारे टाइप के अंदर चेंजेस करते हैं, मैं आज सारा करा दूंगा आपको, एक ही वीडियो में अपन पूरा कर लेंगे भाई, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा पर एक ही वीडियो में आप पूरा इमेज फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखना, पहले समझे चीज़ों को फिर अपन बनते हैं। द गोल ऑफ द इमेज फॉरेंसिक इज टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक एविडेंस रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, कि इसका गोल क्या होता है, भाई मैं इमेज फॉरेंसिक क्यों कराऊँ, तब भाई मैं नहीं कराऊँ तो आप क्यों कराओगे, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, कि साइंटिफिक एविडेंस रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी, भाई ऑथेंटिसिटी भाई इस इमेज ये इमेज के अंदर ये इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कि भाई ये इसी फ़ोन से लिया गया था, तो उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी बताने के लिए उसकी मेटाडेटा का इन्फॉर्मेशन आता है। आप मैंने बोला सर ये कैसे होता है, दिखाता हूँ अभी, रुक जाओ, वीडियो अभी कंटिन्यू चलेगी, आधा घंटा और है, तो पहले अभी सुन लो और फिर दिखाता हूँ मैं वो करता कैसे। इवन मैं आपको अपनी एक इमेज कोई लाइव इमेज में लूँगा, जो हम लोग ब्लॉग शूट करते हैं उस इमेज जहाँ हमने क्लिक करा होगा उसमें से मैं एक इमेज लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि वो क्या डिटेल्स मेरी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ आएगी। उसके अलावा और इंटीग्रिटी की, भाई मॉडिफिकेशन इन दैट इमेज कुछ हुआ या नहीं हुआ, किसी ने कोई चेंजेस करा नहीं करा, कहीं डेटा के अंदर वैल्यूज़ के अंदर कहीं कुछ चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, वो चीज़ बताएगा। उसके अलावा क्रेडिबिलिटी ऑफ अ डिजिटल इमेज की, क्रेडिबिलिटी क्या है इस इमेज की, भाई ये ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसको मॉडिफाई कर दिया है, या फिर मान लो इसको अपने कहीं से डाउनलोड करा और दिखा रहे कि यहाँ से इस फ़ोन से मिला, तो वो सब चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट हैज़ एप्लीकेशन इन फील्ड, ठीक है, इन फील्ड सच एज लॉ एनफोर्समेंट, जर्नलिज्म, मीडिया। अब देखो
ये कहाँ कहाँ आपका एप्लीकेबल होगा, मीडिया फॉरेंसिक के अंदर होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में आपका काम आएगा, जर्नलिज्म में काम आ जाएगा, जर्नलिज्म में भी काम आता है। बेसिकली आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हो भाई, कहीं की इमेज कहीं छाप दिया आपने और आपको इमेज मिली, तो ये इमेज कहाँ से थी? आपने देखा होगा कई बार कि ना जब आप कोई न्यूज़ देखते हैं ना, तो वहाँ पर आता है कि यार ये इमेज हमें मिली, तो बोलते हैं कि अननोन सोर्स या पर्टिकुलर सा सोर्स आइडेंटिफाइड नहीं है। तो बेसिकली जो जो न्यूज़ वाले होते हैं वो भी पहले एक बार वेरीफाई करते हैं कोई इमेज आती है उनके पास कि ना ये इमेज उस वाले इवेंट की है या फिर वहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है कांड, तो वो चेक करते हैं कि भाई ये इमेज जो है ना एक्चुअल में सही भी है या नहीं, ऐसे तो नहीं मॉडिफाई करा गया, तो वहाँ पे भी काम आएगा आपके ये। उसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में काम आएगा इसलिए आपके, क्योंकि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो भी इसके थ्रू करते हैं। और बहुत सारे लोग, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सारे लोग इमेज फॉरेंसिक को ऐसे लेते हैं कि अच्छा हो जाएगा हो जाएगा, बट जब अगर मान लो कोई सामने वाला बंदा, आपका कंप्यूटर अगर सामने वाला बंदा अगर काफ़ी नॉलेजेबल है इमेज फॉरेंसिक के बारे में पता है, तो आपके सारे एविडेंस धरे रह जाएंगे एक तरफ, क्योंकि इमेज फॉरेंसिक कराना बहुत ज़रूरी होता है और वो भी एक्सपर्ट्स है, ठीक है। उसके अलावा देखो मीडिया फॉरेंसिक करते हैं अपन, इंटेलिजेंस के लिए अपन काम करते हैं, और एनी कॉन्टेक्ट्स वेयर द ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डिजिटल इमेजेस आर असेंशियल। अब देखो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये पुलिस ही यूज़ करे या फिर कोई ना जर्नलिज्म यूज़ करे या फिर कोई मीडिया फॉरेंसिक वाले यूज़ करे, पर ऐसी कोई सी भी जगह जहाँ पे इमेज की ऑथेंटिसिटी और उसकी रिलायबिलिटी की भाई ये जो इमेज है ना वो टेम्पर नहीं है, वो चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत पड़े, वो वहाँ पर अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स गाइज करण भाई रिप्लाई करने के लिए बीच में ही कि है ना भाई वीडियो हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई है, जो नए सब्सक्राइबर आते हैं वो अगर मान लो कोई डिटेल कुछ मांग रहे हैं तो प्लीज़ सारे सब्सक्राइबर्स जो पुराने वाले सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने चैनल के बारे में बता दूँ मैं आपको कि ना आप ही कमेंट में रिप्लाई कर दिया करो कि भाई ये डिटेल अपन को चैनल पे मिल जाएगी। उसके अलावा किसी को मेरे साथ में 1-to-1 कोर्स करना है तो भाई फॉर्म दिया हुआ है, जाके भर सकते हैं। डिप्लोमा ऑफ साइबर सिक्योरिटी अभी एडमिशन ओपन है हमारा, 9680100687 पे भी आप कॉल कर सकते हैं, फॉर्म चाहे तो फॉर्म भर देंगे, तो मैं आपको पर्सनली 1-to-1 गाइड भी करता हूँ आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं अपन ने व्हाट इज़ मेटा डेटा, तो भाई तपन सर ये मेटा डेटा होता क्या है? तो मेटा डेटा इज़ एन इमेज रेफर्स टू डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड विद इन द इमेज, इट इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज कैमरा सेटिंग्स, तो कैमरा सेटिंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, डेट एंड टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगी, और किस जहाँ से कैप्चर करा गया था ये, लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, लोकेशन कोऑर्डिनेट्स मतलब लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड, इवन आप चाहें ना तो इमेज से आप उसकी लोकेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी को जानना है कि भाई इंटेलिजेंस सर कैसे निकालें इसके बारे में, तो वो मुझे बता देना, कमेंट में डाल देना एक बार कि है ना, तो अपन सर ये भी जानना है कि इमेज से कैसे अपन लोकेशन निकालें, तो वो भी मैं कवर कर लूँगा इसके अंदर। तो 3-4 टॉपिक हो जाएंगे अपने एक ही आज वाले दिन के अंदर, अच्छा हो जाएगा टॉपिक यार, ठीक है। तो वो एक अपन कवर कर लेंगे, उसके फाइल फॉर्मेट के बारे में, फाइल साइज़ के बारे में, ये सब डिटेल निकाल के देता है ये। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द इमेज, तो भाई ये क्या करता है भाई, आपको एक तो टेक्निकल मतलब एक तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा आपको इमेज के बारे में, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कि भाई कौन से फ़ोन से लेगा था, उसके मॉडल नंबर और उसके ISO के बारे में, उसके अलावा पिक्सल के बारे में, ये सब टेक्निकल डिटेल्स भी लेता है, कवर करता है। द मेटा डेटा एड्स इन ऑर्गेनाइजिंग सर्चिंग एंड मैनेजिंग इमेजेस एंड इट कैन ऑल्सो ऑफर इनसाइट्स इन टू द इमेजेस ऑथेंटिसिटी एंड प्रोविनेंस। एडिशनली द कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन मे बी इंक्लूडेड इन द इमेज मेटा डेटा, तो भाई इसमें क्या होता है, देखो आपकी ये सर्चिंग के लिए, सीजिंग के लिए या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए तो काम आता ही, साथ में कॉपीराइट है नहीं, लाइसेंस तो नहीं चाहिए इस इमेज को यूज़ करने के लिए, तो वो सब चीज़ों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है। अगर मान लो कोई इमेज है और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस इमेज को क्लिक करा था और मेरे फ़ोन में पाया गया, तो मैंने क्लिक करा ज़रूरी नहीं है ना, तो उसमें लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन भी होती है कि भाई किसने इसका लाइसेंस होल्ड करा हुआ है, तो इमेज का भी लाइसेंस होता है। आपने उनका नाम सुना होगा, क्या नाम है, बहुत फेमस वो हैं, क्या नाम है उनका यार, मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी, संदीप महेश्वरी जी का अपना उसका एक इमेज वाला पोर्टल चलता है जहाँ पे वो इमेजेस सेल भी करते हैं, नाम बुढ़िया पोर्टल का, तो जिसको पता हो तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना। तो वो सब क्या करते हैं कि भाई इमेजेस क्लिक करते हैं, प्रोफेशनली क्लिक करते हैं, परमिशन लेकर क्लिक करते हैं और फिर उनको पे करते हैं, और उसके बाद फिर उसको बेचते हैं इमेजेस को, तो वो कॉपीराइटिंग लाइसेंसिंग में आता है। कोई अगर मान लो किसी जगह पर कोई इमेज मिले से जिसके अंदर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो या फिर ये इमेज कोई ना मतलब है ना संदिग्ध जगह की है, तो उस कंडीशन के अंदर आप लाइसेंसिंग से और कॉपीराइट से उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। तो मेरे डेटा में इस लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है। तो भाई वीडियो को लाइक नहीं करता प्लीज़ एक बार लाइक कर देना। अब देखो किस कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, ध्यान दें, अगर आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आना चाह रहे हैं, हमारी तरह अगर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। मेटा डेटा इन्फो इन्फॉर्मेशन कैटेगरीज, तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कैटेगरीज होती है, तो पहली बात तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा आपका, कैमरे की डिटेल के बारे में होगा, उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन होता है, डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन होता है, जियो लोकेशन इन्फॉर्मेशन होता है, और कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन। ये कुछ 5 तरह की इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे मेटा डेटा के अंदर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था अपन, भाई यार बहुत देर से अपन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, अब बात करते हैं
अपन प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है हमारी। अब मैं बताने वाला हूँ आपको दो साइट्स, पहली साइट्स पे हम लोग डेटा को व्यू करेंगे और सेकेंड वाले डेटा, सेकेंड वाली वेबसाइट के ऊपर हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करके फिर वापस से पहले वाली साइट पर आएंगे जहाँ पे उसको व्यू करके देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली थी वो मॉडिफाई हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये हमारा टास्क करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कुछ इमेज फॉरेंसिक के बारे में बात करेंगे और फिर इमेज लोकेशन के बारे में बात करेंगे, इमेज से लोकेशन। तो ये मैं तीन लेवल पर कराने वाला हूँ। पहले अपन मेटाडेटा को व्यू करेंगे, फिर इसको एडिट करेंगे, फिर इसको रीवेरीफाई करेंगे, फिर निकालेंगे अपन इमेज की फॉरेंसिक करेंगे, और इमेज फॉरेंसिक करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन उसकी लोकेशन निकालेंगे। तो ये सारे टास्क करने वाले, इंतज़ार करें, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा जो पहला वेबसाइट है वो मेरा डेटा टू गो डॉट कॉम है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैंने साइट में ओपन कर रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है, देखो नीचे आ गया अपने, ये बोल रहा है मुझे कि ना एक सेकेंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइट खोल लिया। अभी मुझे ये बोल रहा है कि भाई आपको अपनी फाइल अपलोड करनी है जिसके बारे में आपको रिव्यू करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने फोल्डर लिया हुआ है, थाईलैंड की इमेजेस है हमारी, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा थाईलैंड का था भाई तुम्हारा, ठीक है ना। तो बेसिकली अपन ने यहाँ पे एक इमेजेस डाली हुई है। तो अब इमेजेस के अंदर मैं कोई भी इमेजेस ले लेता हूँ। तो मैं ये लेता हूँ होटल की इमेज ले लेता हूँ। तो मैंने एक होटल की इमेज ले ली जहाँ पे मैं टांग चोड़ करके आराम से बैठा हुआ था सोफे के ऊपर, ठीक है कि नहीं भाई, ठीक है। तो मैंने इमेज ले ली यहाँ पे। अब इमेज को अपन जा रहे हैं फॉरेंसिक करने के लिए। तो लेट्स चेक कि इसके अंदर क्या डिटेल मिलती है मुझे, कहाँ की लोकेशन दिखाता है। देखो प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा काम ऑनलाइन हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे महंगे महंगे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, पर कोई मतलब नहीं पैसे खर्च करने के जब फ्री में हमारा काम हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे पहले क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फाइल का नाम आ गया। बाय डिफॉल्ट जो हमारा फ़ोन जनरेट करता है वो फाइल का नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे फाइल की साइज़ दे दी उसने। फाइल की साइज़ क्या है, 3.6 MB। फिर फॉर्मेट क्या है, JPEG फॉर्मेट दे दिया उसने, JPEG इसका एक्सटेंशन दे दिया इसका। नीचे आता है अपन फाइल टाइप, MIME टाइप क्या है, ये इमेज JPEG टाइप है हमारा। उसके अलावा फिर नीचे आता है अपन, देखो यहाँ पे दिखा है कि ना मेक किसने बनाया इस वाली इमेज को। तो जो कंपनी है वो है एप्पल। तो एप्पल के फ़ोन से, मतलब उस डिवाइस के थ्रू, मतलब मेक मतलब कंपनी का जो मोबाइल का मॉडल नंबर मॉडल होगा, मतलब जो मोबाइल जिसने मैन्युफैक्चर है ना उसके बारे में डिटेल होती है। तो यहाँ पे एप्पल ने बनाया, ठीक है। मॉडल नंबर दे दिया इसने 7 iPhone 7 Plus। तो जब पहले मैं यूज़ कर रहा था 7 Plus, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको कैसे क्लिक करा गया था, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल फेस के अंदर, मतलब खड़े करके नहीं, वर्टिकल में नहीं करा, हॉरिजॉन्टल में करा। तो ये भी देता ही है। उसके अलावा एक्स रेजोल्यूशन कितना था ये, तो रेजोल्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखो ये कब क्लिक करा गया था, दिख रहा हूँ यहाँ पे डेट और टाइम दे दिया आपको। तो ये कुछ है ना अपने, ये 11 फरवरी को मैंने क्लिक करा था 2023 को, और ये कुछ रात के अप्रॉक्सीमेट बज रहे थे 23:28, मतलब रात के 11:30 अप्रॉक्सीमेट बज रहे होंगे तब हमने क्लिक करा था ये वाला, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और नीचे आप जाएंगे तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दिख रहा है ना, ये ISO दे रखा है। अब ISO वगैरह जो है ना, ISO हो गया, ठीक है ना, शटर स्पीड हो गया, ये सब क्या है कि ना ये टेक्निकल टर्म है आपकी फोटोग्राफी की, ठीक है ना। इसके अलावा ओरिजिनल डेट एंड टाइम आ गया, क्रेडिट डेट एंड टाइम आ गया, दो शटर स्पीड दे दिया इसने, अपर्चर वैल्यू हो गया, ये सब फोटोग्राफी की है ना कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें जो जो आपको अपने काम का लगे ना वो उठा लेना, बाकी सब छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे याद रखा कि iPhone 7 Plus बैक ड्यूअल कैमरा 3.9 mm। तो अब यहाँ पे याद रखा है कि इसने, मैंने iPhone 7 Plus से मैंने इसको लिया था, क्लिक करा था इसको, और ये ड्यूअल कैमरा मतलब बैक कैमरा से मैंने इसको कैप्चर करा था। इवन ये कहाँ पे मैंने क्लिक करा तो वो दे रखा है कि नॉर्थ ईस्ट, अब सी लेवल दिखा रहा है वो, फिर स्पीड तो नहीं दे रखा। देखो यहाँ पे इमेज की लोकेशन भी आ गया, दिख रहा है ना, इमेज डायरेक्शन दे दिया उसने। अभी बात चेक करेंगे इसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ गया। तो अपना लगे तो अपन भाई इसमें बहुत सारी डिटेल आ गई, तो अब तो ये चक्कर पड़ जाएगा, अगर मान लो किसी हाथ में लग गया तो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये कहाँ से लिया गया था। तो अब इस चीज़ की लोकेशन क्या है, लोकेशन दे दिया भाई मैंने ये रहा, ऊपर गया ना,
दे रखा है यहाँ पे, लेंस का आ गया, हाँ यहाँ नीचे आएगा ये रहा, ये जो है ना ये दे रखा है आपका लोकेशन। ठीक है, तो भाई रियल आईपी इसमें डिटेल लीक नहीं करता भाई, रियल आईपी आपका उस टाइम पे, क्योंकि जब आप कैमरा क्लिक करते हो ना उस टाइम पे नेट चले नहीं चले कोई मैटर नहीं करता, इसलिए वो कोई इन्फॉर्मेशन रखता ही नहीं आईपी एड्रेस का। जो यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है अपने सामने, ठीक है ना। अब आपने लगे तो अपन से ये तो पता चली, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करना, तो मॉडिफाई करने के लिए दूसरी साइड भी हमारी एक और दे रखी है, उसको आप यूज कर सकते हैं यूज़, ये क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं डेटा को चेंज करने के लिए। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके ऊपर डाल दिया, इवन आप इमेज टू लोकेशन भी आप करेंगे, इमेज टू लोकेशन तो कुछ साइट्स मिलेगी आपको, पकड़ लिया गूगल ने, यानी क्या ही कर रहा है इतनी जल्दी जल्दी, बस बस ट्रैफिक लाइट क्या करने देगा आज। ये भी नहीं लेगा क्या ऐसे कल, बसेस एक बस और रही है री, अब तो बस नहीं दिख रही शायद से, चलो हो गया। ठीक है ना, ये सब यहाँ इमेजेस दे रखी है, इनको एक बार अपन यूज़ कर लेते हैं। हाँ ठीक है, पिक टू मैप डालता हूँ यहाँ पे मैं, तो कौन सी इमेज थी, ये इमेज थी, तो लेट्स सी कि ये कहाँ की इमेज है मेरी, दे दिया इसने, देखो ये दे दिया, एग्जैक्ट आ गया भाई एग्जैक्ट, मैं पटाया बीच पे था उस टाइम पे और मेरा होटल सिर्फ वो सी के जस्ट बगल में ही था, दिख रहा है आपको थाईलैंड का है, आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप है ना पर्टिकुलर लोकेशन भी निकाल सकते हैं किसी भी इमेज से, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो सैटरडे यहाँ पर आ गया, टाइम आ गया मेरा आईफोन 11 7 प्लस आ गया, ठीक है ना। उसके अलावा एड्रेस दे दिया यहाँ पे, उसके अलावा ये सिटी आ गया पटाया में था मैं थाईलैंड में, और ये दे दिया डिटेल, इवन लोकेशन भी आ गई, देखो ये और एग्जैक्ट लोकेशन है भाई ये, तो यहाँ पे ढाबा था पंजाबी ढाबा था यहाँ पे जहाँ पे हम नाश्ता करते थे, और सीधे क्रॉस करके सीधे सीधे आया और यहाँ पे मेन बीच यही होटल है जहाँ हम रुके हुए थे। तो बेसिकली इसके थ्रू आप है ना किसी भी इमेज से कोई भी लोकेशन जो है ना आराम से निकाल सकते हो, ये साइट जो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव है भाई। मैं लिंक डालता हूँ चैट बॉक्स के अंदर, वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और अगर मेरे साथ में कोर्स करने का शौक है तो गाइस फॉर्म दिया हुआ है चैट बॉक्स में जाके भर सकते हैं आप। गाइस वीडियो फटाफट एक बार लाइक कर दें, वीडियोस के अंदर लाइक थोड़े से कम है यार, थोड़े ज़्यादा कम है, 26 लोग देख रहे हैं और 24 लोगों ने लाइक करा है और 115 लोग देख चुके हैं, ऐसे मत करो यार कंजूसी लाइक में तो नहीं होना चाहिए, तो फ्री है ना भाई ठोक सकते हो लाइक। तो ठीक है, अब ये हो गया अपना, उसके अलावा एक इमेज फॉरेंसिक भी होता है हमारा, दिखाता हूँ मैं आपको ऑनलाइन इमेज फॉरेंसिक, फोटो फॉरेंसिक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक एंगल से हम लोग देखते हैं, लेट सपोज ये इमेज ले लेता हूँ मैं, अपलोड करता हूँ, इवन आप यूआरएल डाल सकते हो इमेज का डायरेक्टली, अगर कोई यूआरएल है कहीं से आपने देखा हुआ है तो वो इसका यूआरएल डाल दो, अपना आप ले लेगा ये इमेज को, ये भी अच्छा है फोटो फॉरेंसिक। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर देखो अलग अलग टाइप देखे, एनालिसिस देखो डिटेल पूरी पूरी इसकी, नीचे देखो ये इमेज, उसके अलावा आप गेम्स डेवलप कर रहा है ये इमेज उसकी, तो इस तरीके से ये अलग अलग फॉर्मेट में आपको दिखाएगा और फिर उससे आपको डिटेल जो मिल जाए वो इम्पोर्टेंट है। देखो अब निकाल के दिया इसने, बड़ा करके दिया उसने उस इमेज को,
इतना काला करके क्यों दे दिया भाई, ये मेरे तो पेड़ जाने क्या लग रहे हैं, मोर पंख लगने लग गए। ये तो गलत कर दिया भाई इसने तो। चलो कोई ना, जो दिया सो दिया, अभी ना कुछ चेंजेस वगैरह होते ना तो दिख जाता है उसके अंदर। और देख लेते हैं एक बार जी, देखते हैं अपन। नो प्रोफाइल, मोस्ट मोबाइल डिवाइसेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी इसने इसके बारे में। इधर रखा है यहाँ पे। अब इस तरह के अब अलग अलग डिटेल्स जो है ना चेक कर सकते हैं इसके बारे में। अब देखो इसने भी दे रखा है मेटाडाटा, ये भी दे देता है, देख रहा है ना, डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी इसने भी। स्ट्रिंग की बात करें, और सोर्स की बात कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप है ना मतलब चेक कर सकते हैं इसको, कंपैरिजन करना हो वो सारे काम अपन यहाँ से कर सकते हैं फोटो फोरेंसिक से। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला काम क्या क्या कर रहा था अपन ने, अपन ने पहले ये सर लिंक्स शेयर कर दो, लिंक्स डाल दो। यार तुम लोग तो लाइक तो कर नहीं रहे वीडियो को, क्यों डालूँ मैं लिंक चलो डालता हूँ यार, ऐसा नहीं है भाई, एक तो डाल दिया था मैंने, दूसरा भी डालता हूँ मैं आपको, फोटो फोरेंसिक। ठीक है, फिर वीडियो को एक बार लाइक कर दो, लाइक लाइक लाइक। और चलो मैंने फॉर्म दिया हुआ, जिसको मुझसे 1-to-1 कोई कोर्स करना है तो फॉर्म दिया हुआ जाके भर सकते हैं आप। फॉरेंसिक कर लिया अपन ने, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या है कि ना एडिट कैसे करें हम, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी जो हमने फाइल सेलेक्ट करी थी इसमें, ये iPhone 7 Plus दिख रहा होगा आपको। अपन चाहते हैं कि अपन थोड़ा सा अमीर बने धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल डायरेक्टली पैसा तो इतना नहीं है कि अमीर बन जाए, तो उस कंडीशन में करना क्या है कि ना अपन iPhone 7 Plus को एडिट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाओ, सेलेक्ट करो कोई भी फाइल को जो भी आपको एडिट करना है, लो यहाँ पे ओके पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर अपलोड हो जाएगा ये इमेज, उसके बाद फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को मतलब इसके जो मेटा डेटा की जो फाइल्स हैं उसको एडिट कर पाओगे, उसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल पाओगे और चेंजेस कर सकते हैं अपन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो यहाँ पे 7 Plus दे रखा है ना, या कितना कर दूँ मैं, 15 कर दूँ, 15 Pro करते हैं। 15 तो आया नहीं सर, जबरदस्ती प्रो कर रहा हूँ। और ये करना है फिफ्टीन प्रो, ठीक है ये कर दिया अपन ने। और देखते नीचे कहाँ कहाँ पे हैं, तो बहुत बड़ी लिस्ट बनती है भाई इसकी तो। हाँ ये रहा 15, iPhone 14 Pro, ड्यूअल बैक कैमरा, ठीक है। अब ओके राइट इन JPG, तो अब इसने एक फाइल राइट कर दी मेरे लिए, जो मैंने मॉडिफाई प्रॉपर्टीज़ करी थी वो उसने राइट कर दी है। राइट करके अब मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे डाल के, बैक करता हूँ इसको, जो मैंने मॉडिफाई करा मतलब कि मैंने विंडो, मैंने iPhone 7 Plus से इमेज ली थी, अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 15 Pro की इमेज है। तो लेट्स सी कि होता है नहीं होता। अपलोड हो रहा है भाई, ये कोडेक्स वर्मा भाई कैसे बढ़े बहुत दिनों के बाद। हाँ भाई सर्टिफिकेट ले लो पृथ्वीराज भाई, पहले पहले तो लाइक ठोको, उसके बाद है बाद की बात कि इमेज दे दो और सर्टिफिकेट दे दो। तो मैं हमेशा सर्टिफिकेट ही चाहिए। थोड़ा वीडियो को फटाफट एक बार लाइक कर देना गाइस, सेशन को थोड़ा बूस्ट मिल जाए। अब देखो यहाँ पे आ कर दिया इसने, कर दिया बेटा। अगर इधर आपका मॉडल iPhone 15 Pro आगे लिखा हुआ, देख लेते हैं। और भी आप जहाँ भी देखोगे ना सब जगह आपको यही मिलेगा। कहाँ चला गया, देखो ये एक और आ गया, 14 दिखाते हैं इसमें यार, 14 Pro। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत कोई हार्ड काम नहीं है कि तपन भाई इतना बड़ा काम कर दिया कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा काम करा है, ठीक है ना। बट आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ मेरे कहाँ पे। और ये इमेज फॉरेंसिक जो होता है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती है। इवन पुलिस डिपार्टमेंट को भी कई बार ना ये एडिटेड फॉर्मेट को वापस से रिट्राइव करने में बहुत जान निकल जाती है, क्योंकि
ये है यार, ये बाईपास है, मतलब अगर कोई क्रिमिनल चाहे ना तो आराम से कर सकता है। इससे हमारा दिखाने का मेन पर्पज़ ये कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप इस टाइप के केसेस को, तो उस कंडीशन में अपना माइंडसेट जो है ना उस हिसाब से रखो। भाई इतने स्पैम मत करो चैट बॉक्स के अंदर। पिट्टू मैं भी सर एक वेबसाइट इमेज बना, हाँ मतलब कि बहुत सारी साइटें, मैं तो सिर्फ सैम्पल तौर पे एक दो दिखाई है आपको, पर इसे सबके अंदर बहुत सारी साइट्स हैं जो ऐसे ऐसे काम कर रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, सेशन के अंदर, और अच्छा लगा होगा। मतलब हमने फॉरेंसिक के ऊपर ज़्यादा सेशन नहीं लिए, दो दिन ही लिए मैंने, तो आई होप आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लग रही होगी। और जिसको कोई कोर्स करना है गाइस, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और कोर्स के लिए चैट बॉक्स में फॉर्म दिया हुआ है भर देना। ये क्रेडिट जो है, ये कंटेंट का क्रेडिट गोज टू अक्षय कुमार, मिस्टर अक्षय कुमार जी जो हमारे इंटर्न हैं, उन्होंने कंटेंट प्रिपेयर करा आपके लिए, और ऐसे ही और ही मज़ेदार कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहेगा हैकर ब्लॉग। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कॉल करना ना भूलें 9680100687 के ऊपर, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको मेरे साथ में कोई कोर्स की कंसल्टेंसी चाहिए कि भाई मुझे ये बता दो कि भाई इसमें आगे कैसे बढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना कैसे है, या मेरे को डाउट है बहुत सारे, मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, वो सब चीज़ें, या फिर मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड ये है, मुझे दूसरे मतलब साइबर सिक्योरिटी में जाना है अब, या मैं अपनी कंपनी के अंदर हूँ मुझे जॉब स्विच करनी, तो वो सारे डाउट्स जो अगर आपको डील करने हैं मेरे साथ में, तो मैंने फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म जाके भर दो, डिटेल मिल जाएगी आपको, और मैं कॉल कर लूँगा आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, इस वीडियो इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।